बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई जांच को महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश होते ही अब ये मामला बिहार सरकार बनाम महाराष्ट्र बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि सुशांत की जांच के लपेटे में कई दिग्गज आ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को इस जांच से जोड़ा जा रहा है। इन बातों को बल तब मिला जब शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे से सुशांत केस को जोड़ने की साजिश रची जा रही है। बिना किसी का नाम लिए राउत ने कहा कि विपक्ष अभी तक ये पचा नहीं सका है कि शिवसेना के नेतृत्व में कैसे राज्य में सरकार बन गई। इस वीडियो में हम आपको सुशांत के दोस्त ने रिया चक्रवर्ती को लेकर जो बड़े खुलासे किए हैं उसको लेकर अब तक के सभी बड़े अपडेट की जानकारी देंगे। सुशांत मामले में अब जल्द ही सीबीआई नई एफआईआर दर्ज कर तहकीकात शुरू कर देगी। सीबीआई कई बिंदुओं पर जांच करेगी। सबसे पहले सुशांत ने क्यों जान दी, क्या इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या इस सिंडिकेट ने सुशांत को इस कदर परेशान कर दिया कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। इन बातों से ये तय हो गया है कि जांच से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसी बीच घर से गायब हुई रिया चक्रवर्ती अब अपने घर वापस लौट आई है। सुशांत सिंह मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर शुक्रवार यानी 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह और संदीप श्रीधर से पूछताछ की थी। इसी बीच रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स का भी खुलासा हो गया है। इन कॉल डिटेल्स की माने तो जब सुशांत 20 से 24 जनवरी 2020 के बीच अपनी बहन रानी से मिलने चंडीगढ़ गए थे, उस समय रिया ने 5 दिनों में लगभग 25 कॉल्स किए थे। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने नवंबर में बहन से मदद मांगने के लिए कॉल किया था। चंडीगढ़ जाने के लिए अपनी 3 बहनों के साथ टिकट भी बुक कर लिया था। रिया चक्रवर्ती ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उन्हें रुकने के लिए कहा। दिसंबर में सुशांत ने नए नंबर से कॉल कर मदद की गुहार लगाई। सुशांत ने कहा कि रिया और उनका परिवार उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश कर रहा है। वे मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। वे मुंबई से सब कुछ खत्म करके हिमाचल में कहीं सेटल हो जाएंगे। सुशांत खुद ड्राइव करके चंडीगढ़ पहुंचे और वहां 2 दिन रुके। इतने में सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को उनके आने के बारे में बता दिया, जिसके बाद रिया ने उन्हें वापस आने के लिए ब्लैकमेल किया और 3 से 4 दिनों में 25 बार कॉल की। सुशांत सिंह के सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने मीडिया से बात की। पिठानी ने सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत खर्चों को लेकर काफी परेशान थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी दवाइयां भी लेनी बंद कर दी थी। सुशांत अब काफी अच्छा फील कर रहे थे। पिठानी ने बताया कि सुशांत के स्टाफ के लोग भी चर्चा करते थे कि रिया उनके कार्ड से सामान खरीदती रहती हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार पुलिस के घेरे में सिद्धार्थ पिठानी आ गए थे। सीबीआई जांच होने के बाद बिहार पुलिस मुंबई से पटना वापस आ रही है। मामले की पूरी रिपोर्ट बिहार के डीजीपी को सौंपेंगे, उसके बाद आगे का मामला सीबीआई तय करेगी। सीबीआई जांच के बाद सुशांत मामला हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है। जांच को लेकर पटना और मुंबई पुलिस में टकराव के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले में आदित्य ठाकरे तक जांच की आंच पहुंचने को लेकर शिवसेना हमलावर है। संजय राउत ने चेतावनी दी है कि जो लोग भी इस मामले में आदित्य ठाकरे को जोड़ने की साजिश रच रहे हैं उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख तमाम दबाव के बावजूद लगातार ये कहते रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों से पूछताछ की जा रही है, संदिग्धों की अनदेखी की जा रही है। दूसरी ओर सुशांत की पूर्व सहयोगी रही दिशा सालियान केस में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम सामने आया है। इस मामले में एक्टर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सूरज पंचोली ने बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। सूरज का कहना है कि बीजेपी नेता दिशा संग मेरा कनेक्शन दिखा दें तो मैं अंजाम भुगतने को तैयार हूं। सूरज ने खुद पर लगे आरोपों पर कहा कि मैं और मेरी फैमिली काफी परेशान है। सूरज ने कहा कि सभी लोगों की बातें बेबुनियाद हैं।
बता दें कि भाजपा नेता नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि सुशांत की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार केस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले के घटनाक्रम में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। रिया ने मामले की जाँच बिहार से मुंबई लाने की मांग की है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस से अब तक की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन करने पर सख्त नाराजगी जताई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।